ये कहाँ मिलेंगे? ये कहाँ मिलेंगे? आपने आने में कुछ साल देरी कर दी। ये नहीं रेली वाले झुमके पे जिया लल आवरा का दावरा मसाव ती तेरा ड्रामा मचाते हंगामा। यार पर विद्रोही जी वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था। अबे डिप्रेस करने भेजा था, इंप्रेस करके आ गए हो। अब हुआ बिट्टी को रंगबाज और गुंडे टाइप के लड़कों से सख नफरत है। सही बात है भैया, होती नफरत के लायक है। तुम्हें भी उसी ब्रीड का बनना पड़ेगा क्या भैया? ज्यादा पंचायती ना बनो बे। देख घंटा। हाँ जी सर। क्या लीजिएगा? है जी सर। कौन पूछेगा क्या लीजिएगा? है सॉरी सर। हमें क्या पता था साला साड़ी पहनाने वाला टोपी पहना देगा। ठीक है। लल्ला बाजा फाड़ दिए भाई तुम। एक ही लड़की है? अरे एक ही बहुत है। बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है, छुप छुप के सिगरेट पीती है। शादी वादी हो गई? जब प्रीतम प्यारे साड़ी उतारने की उम्र में साड़ी पहना रहे हो। बन जाओ लीचड़ और रंगबाज। सुन बे, तुम सुनो बे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूले पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे। तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे, तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, समझे? अब आपका दिल टूटा चाहे फूटे उससे हमें क्या? ए बहुआ तो साड़ी का रहा है बे। हमारी अम्मा कहती है भैया लड़की घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। अबे लड़की देखने नहीं जा रहे हो? हैप्पी बर्थडे। जब भी हो गर्दन पे क्या हुआ? बेटा हमारी पुरानी गाड़ी है, बार बार सर्विसिंग का कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। पिछले हफ्ते ही बवासीर ठीक हुई है। ठीक है भैया, तो आप ही दे दीजिए। अबे तुम लेकर आओ, तुम ही दे दो, पहन के भी दिखा देना। देखिए भाभी जी, तीन तरह की शेडिंग है इसमें, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, दोनों में। असल में आईने में शक्ल देखे तुमने अपने? अगर शक्ल देख के लड़के शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कबारे होते। भैया ये तो आस्तीन का है ना कौंटा निकला, हम ही को निकलने की सोच रहा है। इंग्लिश फिल्में देखती है। ओ बेटा ये तो तुम ही हो। बरेली की बर्फी पिट्टी।